कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है, इतने कोरोना फैल रहा है आप जान रहे हैं, फिर भी आप बिना अनुमति के यहाँ टेंट लगा रहे हैं। तीन दिन हो गए सर, वो बोल रहे हैं हमने ले ली सर, मतलब इसलिए मैं नहीं कोई अनुमति नहीं है ना, आप उनसे कहिए ना कि कहाँ है, दिखाइए अनुमति। अनुमति उनने आवेदन दिया हुआ गलत किया, अनुमति प्रशासन ने नहीं दिया उनको, उनका आवेदन रद्द कर दिया गया, उनको समझाइश दे दी है। सही बात, पूरा प्रशासन पूरे शहर में अनाउंस कर रहा है, डेली घूम रहे हैं सुबह शाम कि भैया कोरोना इतना फैल रहा है, लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, आप इसको तत्काल हटाइए और उनसे कहिए भाई अनुमति नहीं है हम नहीं लगाएंगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो ये पूरा सामान हम जब्त कर लेंगे। नहीं, 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 और आपके खिलाफ फिर कोई उल्लंघन की कार्रवाई, धारा 188 की कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। मेरे को परमिशन वो लिख के देंगे, तुम्हारा कोई लिख के वो लिख के नहीं, प्रशासन की अनुमति होना चाहिए। हाँ भाई, तुम्हारी लिख के देने से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी उसको भी हटाना शुरू करो मेरे सामने, हटा रहा देखो ना, फटाफट चालू करो हटाना, चलो चलो चालू कर दो। नहीं नहीं करते हैं सर, और आ रहे दो लड़के, मैं लड़का बुला नहीं करता घर, तुमको मालूम है कि इस समय इतना अभी निकाल दे, कार्यक्रम में 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, मालूम है आपको, शादी विवाह में भी क्या इसमें संभव है 50 में रहे लोग, निकालना शुरू करो सामने फटाफट। भारतीय किसान यूनियन द्वारा करीब एक सप्ताह पहले एक आवेदन दिया गया था कि 12 अप्रैल को वो दशहरा मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं, उन्होंने पहले अनुमति मांगी थी डांगलगा मैदान की, क्योंकि अभी 23 मार्च को जो कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया था उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की रैली इत्यादि कोई भी आयोजन, राजनीतिक धार्मिक कोई भी आयोजन नहीं होगा, और कल एक आदेश जारी किया है उसके पालन में अभी से लॉकडाउन चालू हो चुका है। आप सबको विदित है कि देवास जिले में प्रतिदिन काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, एक तारीख से लेकर अभी तक खातेगांव अनुभाग में भी 40 से अधिक पॉजिटिव निकल चुके हैं, और थाना प्रभारी खातेगांव से अवगत लिया गया। उन सब चीज़ों के मद्देनज़र आज मेरे द्वारा उनने जो आवेदन दिया था अनुमति के लिए उसको निरस्त कर दिया गया है, उनको अवगत करा दिया गया है कि लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किया जाए। अभी पता लगा कि टेंट लगाया जा रहा है यहाँ पे बिना किसी अनुमति के, तो उसको निकालने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। सभी से अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह का कोई आयोजन न हो, इसमें प्रशासन का सबको सहयोग करना चाहिए, उसी में सभी के स्वास्थ्य की रक्षा संभव है।